मेरा नाम रणविजय है, रणविजय सोलंकी, और मैं बैले, कंटेम्प्रेरी, जिमनास्टिक्स ये सब करता हूँ। लास्ट 9 to 10 ईयर्स हो गए मुझे डांस फील्ड में प्रोफेशनली डांस करते हुए। आज मैं थोड़ी सी कुछ किड्स से रिलेटेड बातें करूँगा जो मुझे जनरली एक्सपीरियंस होती हैं, लाइक पेरेंट्स जो मुझसे आके पूछते हैं या फिर फंक्शन के बाद जो होंगे या फंक्शन से पहले जो होती हैं। लाइक आप इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टर बनते हो, कुछ भी फील्ड में जाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप देते हो, सेम डांस को भी आप लाइटली मत लो। 2 months, 3 months, 1 year, 2 year में कुछ नहीं होता है। मैंने लक्ष्मण कम, रवि कम, ये मेरे डांसिंग पार्टनर है। लाइक हमने डांसिंग एक साथ स्टार्ट की थी, आई गेस मेरे से पहले लोग कर रहे हैं प्लीज से। सो हमें 10 साल और सर जी को तो 12-13 साल, इनको भी 12-13 साल हो चुके हैं। सो 13-14 साल से हम लोग डांस कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। और उससे पहले 6 साल ट्रेनिंग हमने की है प्रोफेशनली, दिन रात मेहनत करके। जनरली अभी किड्स जो है 1 आवर की क्लास लेते हैं, हमने स्टार्टिंग अच्छी बात है सब 5 साल की एज से स्टार्ट करें, 4 साल की, और आगे जाके 12-13-14 की एज में बहुत अच्छे डांसर बनेंगे, बहुत अच्छे। हमारी उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी जब हमने डांस स्टार्ट किया, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं था, अपनी मर्जी से हमने जो डांस को चूज किया उसके अकॉर्डिंग चले। फैसिलिटीज कुछ नहीं थी, पैसे नहीं थे सीखने के लिए, बट स्कॉलरशिप के बेसिस पे हमने सीखा, कंपनीज में ऑडिशन दिए, सिलेक्ट हुए, बैले सीखा, जिमनास्टिक्स, कंटेम्प्रेरी, और 8-8, 10-10 घंटे हमने ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग करने के बाद परफॉर्मेंस करते थे, क्योंकि जब तक आप लर्न कर रहे हो उसको शो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं। राइट नाउ वी हैव 120+ स्टूडेंट इन एमपैक, 120 से ऊपर स्टूडेंट है, बट सिर्फ 40 स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, 40 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं। परफॉर्मेंस अगर आप लर्न कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, उसको शो करो। स्टेज फियर एक शो से नहीं जाता, 2 शो से नहीं जाता है। मैंने 100 से ऊपर शो किए होंगे, सर ने 200-300 शो किए होंगे, हम इतने शो कर चुके हैं। हम स्टेज पे आते हैं सिर्फ स्टेज बच्चों के लिए आते हैं, अपने परफॉर्मेंस के लिए नहीं। स्टार्टिंग हमने हर साल 4-5 शो लाते थे, बट अब हम धीरे धीरे 2 या 3 लाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पेरेंट्स एग्री नहीं होते। एवरीथिंग कम्स इन अ कॉस्ट, कुछ भी आप करोगे कॉस्ट पे होता है। शो हम ट्राई करते हैं जितना फंड हम बाहर से रेज कर सके, बट ये जितना भी शो होता है सब हम खुद के अकॉर्डिंग पेरेंट्स से कलेक्शन लेते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वो कंपनी लगाती है अमाउंट। सो रिक्वेस्ट है सब पार्टिसिपेशन करें, शो में पार्टिसिपेट करें, उससे हर शो में आपको ये पता चलेगा आपके किड्स का लेवल कितना है। फर्स्ट शो में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, अभी मेरे पास वीडियोज नहीं है, मैं अपनी वीडियोज दिखाता पहले शो में कैसा था मैं, और उसके बाद दूसरे तीसरे, ऐसे लेवल इंक्रीज होता है, आपको पता चलेगा, डांसर को खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ अभी। और क्लास में वो सिर्फ 5 बच्चों के साथ, 8 बच्चों के साथ डांस कर रहा है, स्टेज पे वो करीब आज यहाँ पे 100 डांसर्स है, 100 डांसर्स को देख रहा है वो, तो 100 डिफरेंट बॉडीज उसको दिख रही है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक अप्रिशिएशन मिलता है आगे और अच्छा करने का। और अवार्ड्स ये सब अप्रिशिएट करने के लिए, ये बेसिकली अगर मैं किसी को अवार्ड दे रहा हूँ, बच्चा कितना रेगुलर है क्लासेस में, बच्चे का प्रेजेंस कैसा है, कितना एनर्जेटिकली वो क्लास कर रहा है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता वो कितना अच्छा डांसर है। अगर कोई बच्चा 1 साल से डांस कर रहा है, कोई बच्चा 1 महीने में आ रहा है, बट 1 महीने वाला बहुत अच्छा डांसर है, 1 साल वाला नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा रेगुलर रहेगा क्लासेस में, जो टीचर की बातें सुनेगा, जो मिस्टेक्स को करके अपने ऊपर लेगा, वो बेस्ट स्टूडेंट है। क्योंकि आपके डांस के साथ साथ आपका स्टेज अपीयरेंस, क्लास अपीयरेंस, एवरीथिंग सब मैटर करता है। बच्चा वही आगे जाता है जो रेगुलर करता है, जो एफर्ट डालता है। 2 महीने के बाद आप डांस छुड़वा दोगे, फिर 2 महीने के बाद कराओगे, वो मैं प्रेफर ही करता हूँ कि मत कराओ, क्योंकि वो आपका पैसा वेस्ट है, आपका टाइम वेस्ट है। अगर आपको उस फील्ड में जाना है, यू हैव टू बी रेगुलर, स्टडी के साथ साथ वो भी रेगुलर रखो। डांस बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो स्टडी के साथ साथ उसको भी चलो, एग्जाम्स इम्पोर्टेंट है बट डांस की है मेरे अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।